अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी महाराज व नीरज रतन सिकंदर जी की अध्यक्षता में प्राचीन शिव मंदिर दुमुरिया पुल नजदीक साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ आयोजित किया गया। इस मौके पर दुर्गा सेना संगठन के पंजाब प्रधान विशाल शर्मा, वैभव शर्मा, सुनील मल्होत्रा, पंडित चक्रप्रसाद जोशी, राजू श्याम चौरासी, सावन अरोड़ा, ईश कुमार जैन, बलकार सिंह सहित अन्य मां भक्त शामिल थे। जो माँ बगलामुखी के रूप के असी मना रहे हैं, साढ़े वास्ते बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी उपलब्धि है, क्योंकि जिन्ने भी साढ़े पुराने इत्थे श्रद्धालु आते हैं उन्होंने जिन्ना भी पाठ है, जिन्ने भी पूजा, जो रोज एक माला करते हैं, दो माला करते हैं, पांच माला करते हैं, वो संपूर्णता है, वह जो फल है वह अज के दिन ही प्राप्त होना है। गुरु के नाल बैठ के अपने इस देवी को ध्यान करना, अपने इस देवी का जाप करना, यह बहुत बड़ा संयोग है। और मैं तकरीबन दीपावली वाले दिन मैं सवेरे 4 बजे तो लैके नैक्सट डे 4 बजे तक 24 घंटे लगातार मैं कभी भी इस दिन बाहर नहीं निकलता, लेकिन अच महाराज का आदेश, महाराणी का यह जो पर्व है, महाराणी ने आशीर्वाद दिता है कि मैं अपनी सारी संगत के नाल मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए और समाज में फैली हुई बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए हर गुरुवार की तरह इस गुरुवार भी प्राचीन शिव मंदिर दमोरियापुर में माता बगलामुखी महायज्ञ बड़ी श्रद्धापूर्वक करवाया गया। आज यहाँ विशेष रूप में हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे गुरु माता जी और उनके पुत्र श्री धनेश्वर स्कंदर जी यहाँ पर विशेष रूप में आए हैं। हम अपने पूरे संगठन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और विशेष यजमान के रूप में श्रीमती रेणु शर्मा जी, श्रीमती जितेंद्र गौर जी, वैद्य डुमरा जी, सुरेंद्र छिंदा जी, संजय गुप्ता जी, भारत भूषण जी, नितिन गांधी जी, राकेश महाजन जी और मनमोहन बिंदा जी और उनके साथ जितनी भी संगत यहाँ पर महारानी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, दुर्गा सेना संगठन की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन।